सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्लोक उच्चारण कर ले पहले, दूसरे अध्याय से ही कर ले शुरू, उधर से कर लेते हैं। कहां से किया? शुरुआत से। तम तथा कृप, तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् अनार्यजुष्टम्। कार्पण्यदोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अग्रे वदन्तु। अपि चेत् सुदुराचारो हो गया। एक तो ये जो नहीं बोलते इनको कोई मतलब वाणी में टेक्निकल प्रॉब्लम है कि याद नहीं है, आधे बोलते ही नहीं है और फिर बोलते नहीं हो कोई बात नहीं, इधर उधर देखते हैं, सब बिना देखे बोलेंगे। एक ही तो श्लोक याद करना है एक दिन में, एक श्लोक याद करने में 2 मिनट लगते हैं, ओनली 2 मिनट्स, और आंख बंद करके बोला करो, तो सबको याद करके लाना है। तो अभी चलिए 10वें अध्याय में विभूतियों के बारे में, कल भगवान कृष्ण ने बताना शुरू किया था, शुरू नहीं किया था, मैं बताऊंगा ऐसे उन्होंने कहा था, क्योंकि अर्जुन को उन विभूतियों को पुनः विस्तार से सुनने की इच्छा हुई। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च, अपने योग को और विभूतियों को हे जनार्दन भूय कथय, फिर से एक बार कहो, क्योंकि शृण्वतो नास्ति तृप्तिर्हि मे, मुझको अमृतम शृण्वतो, ये अमृत जैसे वचन सुनते हुए तृप्तिर नास्ति,
मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ और भी मुझे सुनने की इच्छा हो रही है पुनः पुनः, इसलिए दोबारा बताइए। तो इन्होंने कहा था, हंतते कथयिष्यामी दिव्य ही आत्म विभूतय, मैं अपनी दिव्य आत्म विभूतियों को तुझे कहूंगा, लेकिन प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, लेकिन हे कुरुश्रेष्ठ वो मैं तुझे मुख्य मुख्य कह सकता हूँ, क्योंकि विस्तार तो उनका बहुत ज्यादा है, उनको विस्तार से कहना तो असंभव है। इसलिए सत्यात प्रकाश में भी महर्षि दयानंद ने 100 नाम गिनाए ईश्वर के, शिव विष्णु आदि, और उसके बाद कहा कि ईश्वर तो के तो अनंत नाम है, क्योंकि ईश्वर अनंत है, एक व्यक्ति के कितने नाम हो सकते हैं, एक व्यक्ति के, एक व्यक्ति का एक ही नाम होता है, आपके कितने नाम है, चलो दो तीन मान लो मैक्सिमम, भाई घर का एक प्रेम से बुलाने वाला कोई और नाम है, टिंकू पिंकू रिंकू सोनू मोनू, एक स्कूल वाला अलग है, एक दोस्त उसको और शॉर्ट कर देते हैं, ऐसे तो एक ही होता है, नहीं तो चलो दो तीन लगा लो, फिर आप कहो कि जी हमारी जितने रिश्तेदारी हैं वो भी हमारे नाम ही हैं, तो किसी का मामा किसी का भैया, आप लोग तो एक ही हो ब्रह्मचारी जो संसार में होते हैं, उन मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तो उनके दो चार हो सकते हैं। तो ईश्वर के ऐसे ईश्वर के अनंत नाम है, क्योंकि ईश्वर के गुण, आपके गुण कितने हैं, मतलब आपके नहीं सामान्य मनुष्य के, सामान्य के मनुष्य के गुण कुछ होते हैं जिनको गिन सकते हैं हम, वो किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का मामा जीजा साला कुछ हो सकता है, दोस्त हो सकता है किसी का, कोई नौकरी करता है वो नौकरी उसके साथ जोड़ दो, कोई डॉक्टर वकील अध्यापक, तो बस खत्म उस व्यक्ति के नाम उसके तो समाप्त हो जाएंगे ना, लेकिन ईश्वर के नाम कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके गुण अनंत हैं। इसलिए यहाँ पर ईश्वर ने कहा कि मैं अपने बारे में विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि नास्ति अंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का कहीं अंत नहीं आएगा, कितना भी विस्तार में बताऊं तो भी नास्ति विस्तरस्य अंत में, मेरे विस्तार का तो कोई अंत नहीं है, इसलिए मैं प्रधानता से मुख्य मुख्य रूप से आपको बताऊंगा। तो कल वाले पाठ में से आपको कुछ ना समझ आए तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोई प्रश्न है कल वाले पाठ का किसी का, आज सारा समझ आ गया आपको, चलो तो फिर आगे। हाँ चलो आप पूछ लो। ओम दीदी जी, जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारा काम दो तीन श्लोक से या दो तीन मंत्रों से चल सकता है आत्मा साथ कर लेने के बाद में, तो इतने सारे मंत्र है इतने सारे श्लोक हैं जी, उन सबको हमें याद करते हैं स्मरण करते हैं, तो उसका प्रयोजन क्या होता है। जी जी, दो तीन मंत्र की भी नहीं, एक मंत्र ही बहुत है जी, और एक मंत्र भी नहीं एक शब्द ही बहुत है, ओम का ओम तो है ही है, और ओम के अतिरिक्त भी कोई एक शब्द कल्याण कर सकता है, अहिंसा बस बहुत है, अगर जीवन में अहिंसा आ गया तो बहुत है, आप सब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य बस एक को ही सिद्ध कर लो, तो एक ही साधे सब सधे सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, मूल तो वही होता है, कहीं से भी उठाओ आप शरीर का कोई भी एक सेल ले लो कहीं से भी, वो सेल पूरे शरीर को बना देगा, अपने आप में पूर्ण है वो, इस सृष्टि का एक एक कण अपने आप में पूर्ण है, आप एक कण के बारे में जान लोगे ना तो आपको पूरे ब्रह्मांड की संरचना का पता लग जाएगा, इसलिए साइंटिस्ट उन्होंने परमाणु की खोज की, जो आंख से भी दिखता नहीं है ना उसको परमाणु को जाना, कि परमाणु में तीन तत्व हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उससे उन्होंने जाना कि क्योंकि परमाणुओं से ही ये सारा संसार बना है, परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, परमाणुओं से वस्तुएं बनी हैं, सारा ब्रह्मांड परमाणुओं से ही तो बना है ना मिलके उनकी संघात से, तो उन्होंने एक निष्कर्ष दे दिया फिर कि सारा संसार क्या है, त्रिगुणात्मक है।
एक अंश को भी हम जान लेंगे ना तो भी पर्याप्त है, एक शब्द को भी। तो कल भी मैंने बताया था ना महाभाष्य में क्या लिखा है, एक है शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके काम दुख भवती। उसको ही यदि हम ठीक से जान लें, सम्यक ज्ञात और सुप्रयुक्त है, जान करके उसका ठीक से प्रयोग कर लें, तो वो एक शब्द ही हमें स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए हमारे लिए कामधेनु बन जाएगा। कामधेनु मतलब जिससे जो मांगा जाए वो वही दे देती है, ऐसी धेनु। तो आपका प्रश्न फिर इतने श्लोक इतने मंत्र याद करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है यदि एक शब्द आ जाए तो पकड़ में। लेकिन जब तक नहीं आया है तब तक फिर ऋषियों ने कहा न सकृद उपदेशादपि अनादि वासनाया बलवत्वात्। अनादि काल की वासनाओं के बलवान होने से एक ही बार सुना हुआ या एक ही बार याद किया हुआ उपदेश पर्याप्त नहीं है, बार बार उसको लेना पड़ेगा। अगर हमारी एक ही बार अमृत खाने से भूख सदा सदा के लिए शांत हो जाए तो फिर रोज रोज खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो अमृत नहीं मिला तब तक तो हमें रोजाना खाना है, और रोजाना एक बार नहीं खाना, दो दो बार खाना है, और दो दो बार नहीं, आप तो तीन तीन बार खाते हो, नाश्ता भी करते हो रोजाना, दोपहर भी और शाम भी, क्योंकि अभी वो भूख मिटी नहीं, अभी अमृत मिला नहीं। तो इसलिए ये शास्त्र इतने सारे मंत्र हमें बार बार, क्योंकि सारे मिलके एक ही सत्य की तरफ ले जा रहे हैं, तो पता नहीं कब कौन सा मंत्र किसी की पकड़ में आ जाए, कब कौन सा शब्द हमारे कल्याण के लिए। जैसे कोई रोगी होता है ना तो उसको कई प्रकार की दवाएं देते हैं, जैसे कोई बहुत ज्यादा रोगी हो गया तो फिर कोई बताता है कि जैसे कैंसर हो गया किसी को, तो उनको बताते हैं आप ऐसे करो किसी अच्छे डॉक्टर से तो दिखाई लो, लेकिन साथ साथ इनको तुलसी का जूस भी पिलाओ, इनको जवारे का जूस भी पिलाओ, इनको ये वाली गोली भी दे दो, ये तो टॉनिक जैसे है, और दवाई भी चलाओ। फिर कुछ कहेंगे इनको मालिश करो, कुछ कहेंगे इनको धूप में रखो, इनमें विटामिन डी भी कम हो गया है। तो एक रोगी को ठीक करने के लिए जो जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक है वो सब उसको दिया जाता है। तो ये पता नहीं कब कौन सी दवाई सूट कर जाए, अगर वो ठीक उन दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर कोई कहता है कि इनको होम्योपैथी दे के देखो, फिर वो भी देते हैं, फिर कोई कहते हैं आयुर्वेदिक दो, फिर वो भी देते हैं, फिर कोई कहते हैं कि नहीं वो नेचुरपैथी कराओ, वो भी करवाते हैं। जब तक ठीक ना हो जाए सब उपाय अपनाते हैं, और लगातार अपनाते हैं, ऐसा नहीं कि फिर बीच में कोई छोड़ देते हैं एक दो महीना या 15-20 दिन, लगातार कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, क्योंकि थोड़ा भी छोड़ दिया तो फिर उसके मरने के लक्षण हैं। लेकिन यदि कोई ठीक हो गया तो जो भी दवाई उसको अनुकूल आ गई बाकी सब की फिर जरूरत नहीं है, बस वो एक ही पर्याप्त है। अगर होम्योपैथी किसी को अनुकूल आ गई, होम्योपैथी ही बस है। तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने अपने अपने अनुभवों को हमारे सामने रख दिया और अलग अलग तरीके से रख दिया, और हमें बताया कि तुम रोजाना इनमें से कोई ना कोई तो ट्राई करते रहना, और जब आपको कहीं भी एक सत्य भी पकड़ में आ जाएगा तो आप पाओगे कि ये सारे मिलकर के उसी को ही कह रहे थे, इनमें भेद नहीं है। कहने के लिए हमें लगता है कि अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग सत्य है, अलग अलग याद करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत को विप्र लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। तो वो अनेक प्रकार से इसीलिए कह रहे हैं कि पता नहीं कब कौन सा शब्द इसके दिमाग में जच जाए और कब इसका कल्याण हो जाए, तो इसलिए बार बार अलग अलग शब्दों को हमारे सामने ये प्रस्तुत करते हैं हमारे ऋषि हमारा कल्याण करने के लिए। ठीक, आगे चलो। तो अब सुनिए इनकी विभूतियां। तो पहले श्लोक उच्चारण कर लेते हैं।
फिर पढ़ लेते हैं, इनमें कुछ ज्यादा तो नहीं है। अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरिचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं माम् विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानिनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षिणां भृगो अहम् गिरामस्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। पहले इतना पढ़ लेते हैं। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थितः। गुड़ाकेश है, हे गुड़ाकेश, अर्जुन का संबोधन है। निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले को गुड़ाकेश कहते हैं। हे अर्जुन, हे गुड़ाकेश, सर्वभूताशय स्थितः, सब प्राणियों के हृदय में स्थित अहम आत्मा, आत्मा मैं ही हूं। तो सब हमारा जो सब प्राणियों का जो अस्तित्व है उसमें हृदय सबसे प्रधान है, और उस हृदय में भी स्थित जो हृदयेश्वर जो परमेश्वर है वो सबसे महान है। तो इसलिए कहा कि सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूं, अलग अलग नहीं है वो, सबके हृदय में सबकी आत्म रूप में जो स्थित हूं वो मैं ही हूं। अहम आदिश्च मध्यमच भूतानाम अंत एवच, और मैं सब भूतों का आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत भी हूं। तो ये एक विशेष बात यहां पर कह दी कि मैं सारी सृष्टि पैदा किससे हुई, ईश्वर से हुई, क्योंकि आप जैसे ही जाएंगे सृष्टि के कारण में पीछे पीछे जाते जाएंगे तो सबसे आदि में कहां से प्रकट हुई है, कैसे उत्पन्न हुई सृष्टि, तो उसमें ईश्वर के अलावा और कोई भी मिलेगा ही नहीं आपको। एक अदृश्य शक्ति के अतिरिक्त वहां, क्योंकि साइंस ने भी हाथ खड़े कर दिए, हम तो सामान्य मनुष्य हैं जो रात दिन इसी काम में लगे हुए हैं, तो वो परमाणु तक तो चले गए। फिर उनसे पूछें कि परमाणु की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको किसने उत्पन्न किया, उसके मूल में क्या है, तो फिर वो कहते हैं एक ऊर्जा है, बस इतना कह के वो चुप हो गई। वो ऊर्जा का क्या स्वरूप है, वो कैसे उत्पन्न हुई, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं कुछ वेव्स हैं बस इस सृष्टि में, ऊर्जाएं हैं, शक्ति है, वो काम कर रही है। तो बस नाम चेंज हो गया, उन्होंने उसको ऊर्जा कह दिया, शक्ति कह दिया, वेव कह दिया, और हमारे ऋषियों ने उसको ब्रह्म कह दिया। तो मैं सबके आदि में हूं, ये सारी सृष्टि
मुझसे ही उत्पन्न हुई और सारी सृष्टि का जब अंत हो जाता है तब ये कहाँ रहती है? तो उसको हमने कह दिया कि वो ब्रह्म में लीन होती है। सारी सृष्टि का प्रलय हो गया तो कहाँ रहती है फिर ये सारी सृष्टि? तो ये ब्रह्म में लीन हो जाती है। जैसे यहां कोई चीज नष्ट होती है, जैसे उसको जला दिया तो जलाने से क्या बन गई? राख। फिर राख कहां लीन हो गई? राख इधर ही मिट्टी में ही मिल गई, कुछ उड़ गई, इधर उधर गिर गई, फिर कुछ मिट्टी में ही वहां पर मिट्टी में मिट्टी बन गई। फिर ये मिट्टी किसमें लीन होती है? तो ये प्रलय में अपने कारण में लीन हो जाती है, मूल प्रकृति में, लास्ट में जाकर के। तो प्राणियों का आदि भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं। तो जो आदि और अंत में होता है वो ही तो मध्य में भी तो होता है। जैसे हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो घड़े के आदि में क्या है? मिट्टी। और घड़ा जब टूट गया तो घड़े के अंत में क्या है? मिट्टी। और जो ठीकरे बन गए उनका चूर्ण बन जाता है, उसको डाल देते हैं इधर उधर, वो टूटते टूटते उसका बिल्कुल बारीक चूरा होकर के लास्ट में वो मिट्टी का मिट्टी ही बन जाता है। तो घड़े के आदि में क्या है? मिट्टी। अंत में क्या है? तो बीच में भी क्या है? मिट्टी ही है। लेकिन हमें दिखाई देता है ये घड़ा है, ये सुराई है, ये गमला है, पोट है, अनेक अनेक चीजें बनाते हैं ना उसकी, तो हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें मिट्टी नहीं दिखाई देती। फिर हमें वो अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में है क्या? मिट्टी ही है। जब कोई सुनार कोई आभूषण बनाता है तो आभूषण बनाने से पहले उसके हाथ में जो है वो क्या है? सोना। और आभूषण को तोड़ दिया, उसको पिघला दिया, अब उसके हाथ में क्या है? आदि में सोना, अंत में सोना। तो मध्य में जो आभूषण बनाए थे वो भी क्या है? सोना ही है वो भी। लेकिन बीच में हमें क्या लगता है? ये तो हार है, ये तो कंगन है, ये तो अंगूठी है, ये तो कुंडल है, अलग अलग दिखते हैं हमें, हम उन उन नामों से उनको पुकारते हैं। तो ऐसे ही सृष्टि का आदि ईश्वर है, अंत भी ईश्वर ही है, उसी में लीन होती है। तो मध्य में जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं, हम कहते हैं ये गुरु हैं, ये माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई बंधु हैं, ये दुश्मन हैं, ये शत्रु हैं, और ऐसे अनेक अनेक नाम हमने बना लिए हैं। तो वो यद्यपि भगवान जी कहते हैं कि बीच में भी मैं ही हूं, ब्रह्म ही हूं, तो उन सब में तू मेरे को ही देख। जो आदि और अंत में है वो ही मध्य में भी है। और बस आदि और अंत तो सभी को समझ में आता है, मध्य वाला भी यदि समझ में आ गया तो फिर वो व्यक्ति भ्रमित नहीं होता है। कुम्हार कभी भी उन घड़े की चीजों को देख करके भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये सब मैंने बनाया, और क्या है ये सब? मिट्टी ही है, मिट्टी की ही महिमा है, बनाने वाले का कौशल है ये, उसकी कुशलता है कि कितना सुंदर बना दिया उसने, लेकिन है तो मिट्टी ही। ये सुनार को पता है कि कहने के लिए इतने आभूषण है लेकिन वास्तव में है तो सोना ही, तो ये तो बनाने वाले की कुशलता है। तो ये सृष्टि सारी उस सृष्टिकार की कुशलता है जो हमें इतने सुंदर और विविध रूपों में दिखाई दे रही है। फूलों के रंग देखो आप, कितने देखो आपके सामने ही, उनकी हर एक का खुशबू अलग है, हर एक की कटिंग अलग है, पत्ती की बनावट अलग है, उसका रंग अलग है, खुशबू अलग है, लेकिन वास्तव में है क्या सब कुछ? फूल ये पार्थिव है, पंचभूत से बना हुआ एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। तो हर जो कुछ भी बना है वो सब क्या है? पंचभौतिक। और उसके भी मूल में जाएं तो सब त्रिगुणात्मक, पंचभूत भी त्रिगुण का ही विकार है ना, लास्ट विकार है, अंतिम विकार है। तो ये जो इस रहस्य को जान लेता है उसको सब कुछ क्या दिखाई देता है? पंचभूत ही दिखाई देता है, उसको सब त्रिगुणात्मक ही दिखाई देता है। उसके भी मूल को कोई जान लेगा तो ईश्वर ही है उसका मूल भी, उस त्रिगुण को भी इन विविध रूपों में लाने वाला कौन है? तो भगवान यहाँ पहली ही अपनी विभूति में सब कुछ कह दिया इन्होंने, जो पहले श्लोक में बताया, पहले श्लोक में अर्थात 20वें में जब अपनी विभूतियों का वर्णन करने लगे
तो एक ही श्लोक में इन्होंने सारा रहस्य बता दिया कि मेरे सिवाय अर्थात ईश्वर के सिवाय सृष्टि में कुछ भी है ही नहीं। व्यवहार के लिए अलग अलग चीजें दिखती हैं, ये गाय है, ये बकरी है, ये भैंस है, ये मनुष्य है, ये वृक्ष है, ऐसे अलग अलग दिखती हैं, लेकिन सब में क्या है, मैं ही एक चेतन तत्व हूं, मैं ही ब्रह्म तत्व हूं, एक सब में सब कुछ, सारा जगत क्या है, ब्रह्ममय है। तो पहली विभूति में निचोड़ बता दिया, फिर भी कहते हैं यदि तुम्हें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, कहीं कहीं विशेषता दिखाई देती है, तो पहले तू वहां वहां मेरे को ढूंढना शुरू कर दे। जब तू मोटे मोटे अक्षरों को पहचानने लग जाएगा ना अलग अलग, तो फिर तू संयुक्त अक्षरों को भी पहचानने लग जाएगा, और फिर तो तू फटाफट रीडिंग करने लग जाएगा हिंदी की, हिंदी की पुस्तकें। जिस दिन पहले दिन आपने भाषा ये लिपि सीखना शुरू किया तब कैसे किया था, ऐसे अनार अनार सीखा था पहले, बड़ा सा ए बनाया और आगे आपके कायदे में बना दिया अनार, तो उसको देख के आपने ए सीखा था, और अब जब पढ़ते हो तो वो ही ए आता है, तो अनार आता है क्या कहीं, अब अनार गया, अब तो फटाफट पढ़ ले, तो आपने पहचान लिया कि अनार तो मुझे समझाने के लिए था, अनार का और ए का कोई लेना देना नहीं है, वास्तव में तो ये एक अक्षर है, ये कितने ही शब्दों में प्रयुक्त हो रहा है। और तो अब आपके सामने जितने भी अक्षर वाले शब्द आएंगे आप सब जगह पहचान लोगे, वो कहीं मिला हुआ है, कहीं अलग है, कहीं आ है, सब पहचान लोगे आप। तो इसलिए यहाँ पर विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि एक एक कण कण में मैं ही हूं, इस सृष्टि का आदि भी मैं ही हूं, अंत भी मैं ही हूं, और मध्य में भी मैं ही हूं, लेकिन यदि मैं एक एक कण का अब विस्तार से बखान करने लगूं, उपदेश देने लगूं, तो इसका कोई अंत ही नहीं आएगा, क्योंकि सृष्टि अनंत है और सृष्टि तो मेरा 1/4 है, 3 भाग तो दिखते ही नहीं है। और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, हमारे पिंड में भी हमारे 3 पार्ट दिखाई नहीं देते, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा ये अस्तित्व कितना है, 1/4। एक है हमारा मेंटल वर्ल्ड, मानसिक जगत, तो हमें तो पता है, दूसरे को दिखाई देता है क्या किसके मन में क्या चल रहा है, मेंटल वर्ल्ड। दूसरा है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, हमारी आत्मा में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता है। तीसरा है हमारा इमोशनल वर्ल्ड, भावनात्मक जगत, भावनात्मक दूसरे नंबर पे आएगा, पहला मानसिक जगत, दूसरा भावनात्मक जगत, तीसरा आध्यात्मिक जगत, मेंटल वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये 3 हमारे कैसे हैं, अदृश्य, दिखाई नहीं देते हैं। और चौथा है ये भौतिक जगत, जो 5 भूतों से बना हुआ हमारा शरीर है, ये कैसा, कौन सा है, चौथा, तो दिखाई तो ये यही देता है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये उन 3 का ही परिणाम है, ये एक विशेष बात बता रही हूं, जो दिखाई देता है वो क्या है, 3 का परिणाम।